नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। गुरु का चमत्कार कहें या उनका आशीर्वाद, भारी बारिश और कोरोना काल पर इस गुरु पूर्णिमा पर रही आस्था भारी। विश्व के पांचवें धाम देपालपुर के श्री 24 अवतार मंदिर स्थित सदगुरु जयकरण दास जी महाराज के आश्रम पर मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अब तक करीब 1,00,000 गुरु भक्तों ने दर्शन दिए। जनता कोरोना के अनलॉक के बाद पूरी सावधानी रखते हुए दर्शन के लिए पहुंच रही है। मुंह पर मास्क लगाते हुए हाथों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। वहीं मंदिर ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक रूप से भी गुरु पूर्णिमा पर भंडारा न करने की भी घोषणा की थी, उसके बाद भी भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज पटेल, विधायक विशाल पटेल भी दर्शन के लिए गुरु समाधि और गुरु गादी के दर्शन के लिए पहुंचे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी देपालपुर के 24 अवतार मंदिर परिसर स्थित अनंत जयकरण दास जी भक्तमाल परमहंस महाराज गुरु भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि इस बार मंदिर ट्रस्ट द्वारा कोविड-19 के चलते निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष अनुसार होने वाला भंडारा और बड़ा आयोजन इस बार नहीं होगा। बावजूद उसके कोरोना बारिश गुरु भक्तों की आस्था भारी पड़ती दिखाई दी। क्योंकि सुबह से ही गुरु भक्त यहां बड़ी संख्या में पहुंचकर गादी का दर्शन लाभ लेने पहुंचे। गुरुदेव जी महाराज का आश्रम पर गुरुदेव के कई चमत्कार हैं जिसको लोग भुलाए नहीं भूलते, और यही भक्तों की आशा और विश्वास है कि गुरु पूर्णिमा पर लाखों भक्त यहां पहुंचकर दर्शन करते हैं। बिन बुलाए यहाँ आए हैं। कई गुरुदेव का पुण्य प्रताप है, उनका आशीर्वाद हम सब पर है और गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आगे भी गुरुदेव का जो स्वप्न पूरा करना है वो हम करेंगे। गुरुदेव की मंशा के अनुरूप हम आगे काम करेंगे। गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई। देपालपुर विधानसभा परम कृपा रही गुरुदेव, और मैं समझता हूँ कि जो पांचवा धाम ये बनने जा रहा है गुरुदेव की एक असीम कृपा हर एक व्यक्ति के ऊपर, मुझे और मेरे परिवार के ऊपर तो विशेष तौर पर गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद रहा है। और जब भी गुरुदेव ने कोई भी सत्कार करने के लिए एक प्रेरणा दी तो पूरा पटेल परिवार हमेशा आ गया। मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ, और साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन हर एक व्यक्ति को, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और गुरुदेव का जो आशीर्वाद और गुरुदेव ने जो हम सबको जो चलना सिखाया है जिन पदों पर, निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति चलने के लिए तैयार है। और आते हुए समय में मुझे समझता हूँ कि जो सपना गुरुदेव ने देखा था वो पूर्ण होगा।